मेरे मुंह की बात छीन ली। मुझे भी ऐसा ही लगता है, यही तो मैं सोच रहा था। हमारी सोच बिल्कुल एक जैसी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कोई शक नहीं इसमें। दोस्तों, इस तरह के कई और जुमले हम यूज़ करते हैं किसी की हाँ में हाँ मिलाने के लिए, यानी किसी के साथ एग्री करने के लिए। लेकिन हमारी इंग्लिश वीक होने की वजह से हम सिर्फ और सिर्फ एक ही जुमला कह पाते हैं, और वो जुमला कौन सा है? आई एम एग्री। वो भी आप गलत बोल बैठते हैं। आई एम एग्री नहीं होता, आई एग्री होता है। क्या होता है? आई एग्री। जी तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदर वेज टू से आई एग्री। आपने इसको कभी भी आई एम एग्री नहीं कहना, बल्कि कहना है आई एग्री। सिर्फ और सिर्फ आई एग्री हर एक सिचुएशन में, यानी जब भी आपको किसी की हाँ में हाँ मिलानी हो तो हर सिचुएशन में ये फिट नहीं आता। देखिए, कभी तो आपको कहना होता है कि मैं पूरी तरह से आपके साथ एग्री करता हूँ, कभी आपको कहना है कि मैं थोड़ा एग्री करता हूँ, कभी आपको कहना होता है कि आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, और किसी सिचुएशन में आप ये कहना चाह रहे होते हैं कि हमारी सोच कितनी मिलती है आपस में। तो इस तरह के जो जुमले हैं, खूबसूरत जुमले, जो हमारे दिल की आवाज़ होते हैं, जो हमारे दिमाग में होते हैं, लेकिन हम नहीं कह पाते, हम सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश वीक होने की वजह से इतना ही कह पाते हैं आई एग्री, उसको भी हम बहुत ज़्यादा गलत ही बोलते हैं। हम इसको कह बैठते हैं आई एम एग्री। मैं उन हजरात की बात कर रहा हूँ जिनकी इंग्लिश वीक है, जिनकी इंग्लिश बेहतर है, और वो जानते हैं कि आई एग्री ठीक है और आई एम एग्री गलत है। उनके लिए आई एम सॉरी, लेकिन ये गलती बहुत ज़्यादा होती है। सो चलिए, अपनी इंग्लिश को आज थोड़ा और ख़ूबसूरत बनाते हैं और सीखते हैं ऑलमोस्ट 18 से 20 तरीके जो कि मुख्तलिफ सिचुएशन में फिट आते हैं आई एग्री कहने के लिए। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की ज़बरदस्त लर्निंग की वीडियोस आपके सामने आती रहें और आप अपनी इंग्लिश बेहतर बनाते रहें। साथ में लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए मज़ीद कंटेंट लेकर आते रहें। ओके, एक और अनाउंसमेंट है। हमारी तमाम वीडियोस की पीडीएफ, यानी हर सबक की पीडीएफ, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हासिल की जा सकती हैं, जिनको आप नोट्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके एवरीवन, सो वी आर गोइंग टू बिगिन आवर टुडेज लेसन, और इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई गेस सो, आई गेस सो। मुझे भी ऐसा ही लगता है हम कैसी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं? हम एक सिनेरियो लेंगे, जनरल सा सिनेरियो है शॉपिंग का। शॉपिंग का हम सिनेरियो लेंगे। अभी के लिए आप ये इमेजिन कीजिए, तसव्वुर कीजिए कि 3 से 4 दोस्त हैं जो अभी अभी शॉपिंग करके घर पहुँचे हैं और आपस में बात कर रहे हैं कि हमें कौन सी चीज़ बेहतर प्राइस में मिल गई है और किस में हम धोखा खा बैठे हैं। तो एक दोस्त कहता है कि हमें ये वाली जो शर्ट है ये ज़्यादा महंगी मिली है। लास्ट टाइम जब हम गए थे तो हमने देखा था कि ये शर्ट ऑलमोस्ट 2500 रुपये में थी, और इस बार यही शर्ट हमें 4000 रुपये की मिली है। मुझे तो लगता है कि हम धोखा खा आए हैं इस बार। दूसरा दोस्त सुनकर कहता है आई गेस सो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ठीक है, इस बार हमें प्राइस बहुत ज़्यादा लगाई है उसने, कीमत बहुत ज़्यादा लगाई है। तो फिर हम कहते हैं कि हमें किसी और शॉप से, वही दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं, एक दोस्त कहता है कि हमें दूसरी शॉप से पता कर लेना चाहिए था, हम भी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही शॉप पर जाकर सारी शॉपिंग कराए। तो फिर एक दोस्त बोलता है आई हैड द सेम आइडिया, मेरा भी यही ख्याल था कि हम
कोई और शॉप विज़िट कर लेते, किसी और शॉप पर जाते और कम अज़ कम प्राइसेस तो कंपेयर कर लेते। आई हैड द सेम आइडिया, मेरा भी यही ख्याल था। तो उसके साथ अग्री कर लिया उसने। ठीक है, अग्री करने के लिए हम इस तरह से सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे। ओके, अब यही बात वही दोस्त जो कह रहा आई हैड द सेम आइडिया, वो यही बात इस तरह से भी कर सकता है। दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई फील, दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई फील। या हम उसी शॉपिंग पर जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स बेसिकली आइटम्स हैं, हम उन्हीं पर मज़ीद बात कर लेते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि वहाँ पर एक शर्ट पड़ी हुई है जो कि उन दोस्तों ने पहले भी कहीं देखी है। एक दोस्त कह रहा है कि ये शर्ट 2500 रुपए में लास्ट टाइम डिस्प्ले में थी, ठीक है, लेकिन इस बार उसने 4000 की दी। मुझे लगता है कि ये वही वाली शर्ट है। तो उसके साथ वो दोस्त अग्री कर रहा है, ठीक है, कोई और दोस्त उसके साथ अग्री कर रहा है। दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई फील, आई थिंक आई हैव सीन दिस शर्ट बिफोर, और प्राइस भी यही जो तुम बता रहे हो, मुझे लगता है कि 2500 रुपए ही इसकी प्राइस थी। ठीक है, दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई फील, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। सो अब हम बात करते हैं, यही तो मैं सोच रहा था, दैट्स जस्ट व्हाट आई वाज थिंकिंग। देखिए इसकी उर्दू ट्रांसलेशन साथ साथ दी हुई है, तो हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि हमें किस सिचुएशन में ये सेंटेंसेस यूज़ करने हैं। लेकिन फिर भी आसानी के लिए, आपको बेहतर तरह से समझाने के लिए, मैं एग्जांपल्स और सिनेरियोस साथ साथ बताता जा रहा हूँ, ताकि आप डिफरेंट सिचुएशंस में इन सेंटेंसेस को पुट भी कर सकें, यानी प्रैक्टिस भी कर सकें। अब आप देखिए, ऑफ कोर्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऑफ कोर्स का मतलब होता है बिल्कुल। अच्छा, अभी प्राइसेस की ही बात चल रही है, एक दोस्त कहता है कि इसकी प्राइस 2000 से ज़्यादा नहीं है, दूसरा दोस्त फौरन एग्री करेगा, ऑफ कोर्स इसकी प्राइस 2000 से ज़्यादा है ही नहीं, अभी कुछ दिन पहले तो मेरा कज़न लेकर आया ये शर्ट 2000 रुपए में। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ तुम्हारे साथ। तो इस तरह से ऑफ कोर्स का यूज़ किया जा सकता है, बिला शुबा, ठीक है, बेशक, बिल्कुल, हम इस तरह से इसकी उर्दू करते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, ओके, अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ, और इसमें हम जब ऐसा कहना चाह रहे हों कि हमारी सोच बिल्कुल एक जैसी है, हम एक ही दिमाग के हैं, तो हम कैसे कहेंगे, वी आर ऑफ वन माइंड। आप इमेजिन कीजिए, वही दोस्त जब शॉप पर खड़े हैं तो आपस में मशवरा कर रहे हैं कि शर्ट कितने की होनी चाहिए। दे आर यू नो प्लानिंग टू बार्गेन, वो बार्गेन करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, करते हैं। लोग जब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं इकट्ठे, तो बार्गेनिंग के लिए वो आपस में बात करते हैं, दे विस्पर, राइट, वो आपस में कानों में बातें करते हैं और मशवरा करते हैं कि ये इसकी प्राइस कितनी बताई जाए। ठीक है, तो इमेजिन कीजिए कि दो दोस्त हैं, वो आपस में मशवरा कर रहे हैं, वो कहते हैं इसकी भी 1500 रुपए होनी चाहिए और इसकी भी 1500 रुपए होनी चाहिए। तो दूसरा दोस्त कहता है, ओह माय गॉड, मेरे तो बिल्कुल, मतलब कितना सिमिलर है हमारी सोच, वी आर ऑफ वन माइंड, हम एक ही दिमाग के हैं, यानी हम एक जैसा ही सोचते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ वी आर ऑफ वन माइंड। ओके, आई कांट अग्री विथ यू मोर, इसको हम किस सिचुएशन में यूज़ करेंगे, मैं पूरी तरह से मुत्तफिक हूँ आपसे, मैं हर तरह से मुत्तफिक हूँ आपसे। जब आपने ऐसी बात करनी हो तो आप कहेंगे आई कांट अग्री विथ यू मोर। अगर आपको कहना हो कि मैं आपसे बिल्कुल भी इत्तफाक नहीं करता, मैं बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ आपसे,
तो फिर आप मोर की जगह पर लेस लगा लेंगे, ठीक है? आई कॉन्ट अग्री विथ यू लेस। तो ये दो सेंटेंसेस हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं लेकिन बहुत ही बामाने सेंटेंसेस हैं, ज़रूर याद रखिएगा। इस तरह के हम और भी मज़ेदार सेंटेंसेस सीखने वाले हैं, पूरी वीडियो देखिएगा, ओके? Our thoughts are absolutely parallel. हमारी सोच बिल्कुल एक जैसी है, हमारी सोच बिल्कुल एक जैसी है, यानी ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस दोनों एक ही माने देते हैं, वर्ड्स डिफरेंट हैं, ठीक है? और ये माई थॉट्स एग्जैक्टली, ठीक है? अभी आप सोचिए कि वो जो दो दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं, प्राइसेस डिस्कस कर रहे हैं, तो एक दोस्त ने जब कह दिया 1500 रुपये इसके हमने बताने हैं, ठीक है? अगर वो मानता है तो ओके, अदरवाइज वी विल लीव द शॉप। तो ये कहता है वी आर ऑफ वन माइंड, ओके। वो ये बात भी कर सकता था, वो ये भी कह सकता था, ठीक है? तो वो तीनों में से कोई भी एक बात कर सकता था, यानी जब उसने ये कहना था कि बिल्कुल मेरे दिल की बात कही है, यानी हम एक जैसा सोचते हैं, तो वो तीनों में से कोई एक सेंटेंस यूज़ कर सकता था। नाउ नो डाउट अबाउट इट, कोई शक नहीं इस पर, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है? ये हम जनरली यूज़ करते हैं। सो डू आई, इसको हम किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं, सिनेरियो थोड़ा सा बदल देते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि कुछ दोस्तों के पास अमाउंट है, किसी के पास 10,000 है, किसी के पास 20,000 है, ठीक है? उन्होंने किसी एक शख्स को, किसी एक दोस्त को जमा करवानी है ताकि वो बाद में काम आ सके। अब देखें, कुछ लोग काबिल एतबार होते हैं, कुछ नहीं होते, तो उनमें से एक दोस्त का एतबार बहुत बना हुआ है, बहुत ही शरीफ बच्चा है, ठीक है? तो सब लोग कहते हैं हमें अहमद को पैसे जमा करवाने चाहिए। दूसरा दोस्त बोलता है यस आई अग्री, हमें अहमद को पैसे जमा करवाने चाहिए। फिर तीसरा भी बोल देता है सो डू आई, मैं भी अग्री करता हूँ। तो ये यूज़ है सो डू आई का, एक अग्री करता है तो दूसरा भी अग्री कर रहा है। जब दूसरे ने अग्री करने के लिए बोलना है तो वो कह देगा सो डू आई। इसको हम एक और सिचुएशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं किसी से कहता हूँ आई बिलीव यू, तो आगे से वो भी मुझे कह सकता है कि मैं भी आप पर बिलीव करता हूँ, तो वो कह देगा सो डू आई, मैं भी आप पर बिलीव करता हूँ, ओके? सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ सो डू आई। डेफिनेटली, इसको हम डेफिनेटली नहीं कहेंगे, डेफिनेटली, ये डेफिनेटली नहीं है बल्कि डेफिनेटली, ओके? डेफिनेटली, बिल्कुल, यकीनन, डेफिनेटली, बिल्कुल, यकीनन। आई अग्री विथ यू, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। इसको हम आई एम अग्री विथ यू नहीं कहेंगे, सिंपली हम कहेंगे आई अग्री विथ यू, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। यू आर सो राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। दैट्स राइट, बिल्कुल ठीक। अब अगर कुछ लोग आपस में मशवरा कर रहे हैं और मशवरे में फाइनली सब लोग आपस में इत्तेफाक कर जाते हैं, तो सब लोग बारी बारी बोलेंगे अग्रीड, मैं भी मुत्तफिक हूँ, ठीक है, मैं भी इत्तेफाक करता हूँ। तो इस तरह से सब लोग अग्रीड बोल सकते हैं, ओके? You took the words right out of my mouth. मेरे मुंह की बात छीन ली। हमारा बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस, इसको आपने याद रखना है, लाजमी याद रखना है। हम हमारी डेली कन्वर्सेशंस में, यानी हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में, हम ऐसी बात
ज़रूर करना चाह रहे होते हैं, लेकिन हमें वर्ड्स ही नहीं मिलते। तो ये आपने याद रखना है, यू टुक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ माई माउथ। अच्छा, ये जो ओ एफ है इसको हम प्रनाउंस कुछ इस तरह से करते हैं, ओ वी ऑफ, राइट ऑफ, ओके, आउट ऑफ, आउट ऑफ। और जो ओ डबल एफ होता है उसको हम ऑफ यानी फे के साथ बोलते हैं। ओके, सो एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, या इन सब के मतलब हैं, हाँ बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह से जी बिल्कुल कहकर या हाँ बिल्कुल इस तरह के एक्सप्रेशन देकर हम किसी के साथ एग्री करते हैं, तो उसके लिए हम इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली हम इसको नहीं कहेंगे, याद रखिएगा। बेटर प्रोनंसिएशन इज़ एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, या इसको हम ये ई हटाकर वाई ए एच भी कह सकते हैं, ठीक है, वाई ए एच, या हम इसको वाई ई पी बी, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। सो किसी के साथ एग्री करने के लिए, यानी दिस इज़ जस्ट अ वे टू से यस, ये सिर्फ और सिर्फ यस कहने का एक तरीका है। इनफॉर्मली इसको आप अपनी जो रिटन इंग्लिश है, जो एग्ज़ाम्स होते हैं क्लास, स्कूल, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर आप नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ हम इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सीख रहे हैं, ठीक है। वी आर इन अग्रीमेंट, वी आर इन अग्रीमेंट, और वी आर इन अकॉर्ड, वी आर इन अकॉर्ड, इसका क्या मतलब है, हम मुत्तफिक हैं, हम इत्तफाक करते हैं आपस में, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रोफेशनल टाइप का सेंटेंस है, बिजनेस इंग्लिश में यूज़ होता है, ठीक है। सो स्पीकिंग में ये कम यूज़ होगा, वी आर इन अग्रीमेंट और वी आर इन अकॉर्ड, हम मुत्तफिक हैं आपस में। ओके एवरीवन, आई होप यू लाइक्ड टुडेज़ वीडियो, और अगर आपने इन तमाम सेंटेंसेस की पीडीएफ हासिल करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हासिल कर लीजिए, ताकि आपके पास नोट्स रहें और आप रिवाइज़ करते रहें। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। और हमारा कंप्लीट कोर्स हम एक अपलोड कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए, जो कि आप बहुत आसानी से उस कोर्स को ज्वाइन करते हुए, उस कोर्स को देखते हुए हमारे साथ व्हाट्सएप पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त तरह से अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह वी विल बी टॉकिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।